हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो चैप्टर है उसका नाम क्या था? पिनोकियो। तो फ्रेंड्स, आइए हम आगे मूव करते हैं। लिखा वर्ड वन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम पिनोकियो। ये वर्ड जो पिनोकियो है, जो ब्लू कलर से लिखा है यहाँ पे, तो आप इससे कितने वर्ड्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें आपको बताना है। लिखा है फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेज, और उसमें से क्या करना है आपको, एम्प्टी बॉक्स में भरना है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है पिन, तो पिन यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हॉप, एच ओ पी, तो इसमें से एक वर्ड लिया गया एच, दूसरा लिखा है ओ, और थर्ड वर्ड क्या लिया गया, पी। तो हॉप मीन्स होता है फुदकना, इस तरीके से। और जो ये एम्प्टी बॉक्स हैं, हमें इन बॉक्सेज में क्या करना है, फिल करना है। तो आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट है चीन, चीन के बाद हम क्या बना सकते हैं, इंच। चीन मीन्स होता है टुड्डी, ठीक है। उसके बाद इंच, इंच एक पैमाना है, ठीक है, जिससे हम नापते हैं, एक इंच दो इंच। नेक्स्ट है नीप, आगे क्या है चीप। नेक्स्ट है ऑन, नेक्स्ट है चॉप, नेक्स्ट है हीप, और उसके बाद है नो। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता है, आप एक बार क्या करें, डिक्शनरी खोलें और उसकी मीनिंग्स आप क्या करें, चेक करें। ये आपका होमवर्क है, इसके बारे में आपको देखना है। और कुछ मैंने बता दिया है, कुछ आपको जो नहीं पता है उसका खुद क्या करना है, देखना है और पता करना है। आइए हम नेक्स्ट आते हैं। लिखा है मेक द अपोजिट विद द वर्ड्स, जो वर्ड लिखे हैं इसमें डिस और इन वर्ड्स के पहले जोड़ करके हमें क्या बनाना है, इसका अपोजिट बनाना है। जैसे रिस्पेक्ट है, तो रिस्पेक्ट का अपोजिट क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट, तो हम इसमें जोड़ देंगे डिसरिस्पेक्ट। एबल है, तो एबल का डिसेबल। सफिशियंट, इफिशियंट मीन्स होता है कुशल, ठीक है, इसका क्या होगा, इनइफिशियंट। ओन का डिसओन हो गया, ओन मीन्स अपनाना, डिसओन मीन्स होता है त्याग देना। कैपेबल, इनकैपेबल। सिक्योर का क्या होगा, इनसिक्योर। तो जो वर्ड के पहले जुड़ता है और उसमें पहले जुड़ के उसके मीनिंग में क्या होता है, चेंज लाता है, जैसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। पहले भी हमने इसकी वीडियो बनाई हुई है, तो उसको आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं कि प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, एक वीडियो है उसमें, तो आप उसमें जाके देख लीजिए। नेक्स्ट है मेक नेमिंग वर्ड्स बाई एडिंग नेस। अब आई टी वाई, जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है नेस, आई टी वाई, टी वाई, ये वर्ड के एंड में जोड़ना है, और जो एंड में जोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं सफिक्स, और जो प्री मीन्स पहले जोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। तो आइए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पब्लिक, पब्लिक में पब्लिसिटी, ठीक है, स्टूपिड, स्टूपिड में स्टूपिडिटी। तो आइए हम इसी तरह से आगे बनाते हैं, देखते हैं। जैसे फारगिव, फारगिव में फारगिवनेस, काइंड में काइंडनेस, पोलाइट में पोलाइटनेस, और मोरल में मोरेलिटी, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे मीनिंग चेंज नहीं होता है, बल्कि इसमें स्पेसिफिकेशन आ जाता है, मीन्स विशिष्टता आ जाता है। जैसे फारगिव हो गया, फारगिव मीन्स क्या होता है, भूलना, ठीक है। फारगिव कहते हैं कि प्लीज फारगिव मी, फारगिव मीन्स होता है क्षमा करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फारगिव से क्या हो गया, फारगिवनेस हो गया। काइंड से क्या हो गया, काइंडनेस हो गया, मीन दया, दयालुता, इसमें क्या स्पेसिफिकेशन आ गया। पोलाइट मीन्स क्या हो गया, विनम्र, और पोलाइटनेस मीन्स विनम्रता। लेकिन जो ऊपर हमने बताया उससे मीनिंग चेंज हो रहा है। देखिए, रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना, और डिसरिस्पेक्ट मीन्स, ठीक है, असम्मान। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे मीनिंग चेंज होता है। प्रीफिक्स जोड़ने से वर्ड की मीनिंग बदलती है, लेकिन सफिक्स जो एंड में जोड़ा जाता है, इससे वर्ड की मीनिंग बदलती नहीं है, बल्कि उसमें विशिष्टता आती है। आगे है ब्लाइंड, ब्लाइंड से हम क्या जोड़ेंगे, ब्लाइंडनेस। क्रूएल से क्रूएलिटी, और स्विफ्ट से स्विफ्टनेस, और सॉलिड से सॉलिडिटी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आपको बताया कि एंड में और पहले जोड़ने से क्या बनता है, और किससे चेंज आता है, और किससे चेंज नहीं आता है। पहले जोड़ने से वर्ड में चेंज आ जाता है, और जो एंड में जोड़ते हैं सफिक्स, उससे चेंज नहीं आता है, बल्कि उसमें स्पेसिफिकेशन आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट ए कारपेंटर यूज टू वर्क। अब नीचे जो वर्ड्स रेड कलर से दिए गए हैं, इनमें से आपको ये पता करना है कि कारपेंटर कौन सा, किसका यूज करता है, क्या करने के लिए, काम करने के लिए। तो कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, उसे आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि वो किस किस चीज़ का यूज करता है। जैसे प्लेन, वो प्लेन करने के लिए, वो प्लेन लिया रहता है, उसे प्लेन करता है लकड़ी को। जब पिनोकियो चैप्टर में स्ट्रेंज जो वुड थी, उसको प्लेन करने के लिए उसके पास एक टूल था जिसको प्लेन कर रहा था। नेक्स्ट है चिसेल, नेक्स्ट है हैमर, उसके बाद नेल्स, लेथ, पेंसिल, अवेल, और स्पेड। फ्रेंड्स,
आपको क्या करना है, आपके लिए एक होमवर्क है। इसके जो वर्ड मीनिंग आपको समझ में नहीं आता है, आप डिक्शनरी उठाइए और उसमें से खोजिए कि जो वर्ड्स है इसका मतलब क्या होता है। तो आपको ये वो वर्क आप करेंगे, ये आपके लिए दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें लिखा है नाउ मेक सेंटेंसेज यूजिंग सम ऑफ द एबव वर्ड्स। ऊपर जो वर्ड्स हमने अभी बनाया है उससे आपको क्या करना, सेंटेंस बनाना है। जैसे प्लेन, द कारपेंटर यूज टू प्लेन ऑन द वुड्स टू मेक इट स्मूथ। कारपेंटर जो है प्लेन का यूज करके उसको स्मूथ बनाता है। नेक्स्ट है नेल्स, इट हीट सम नेल्स, ये आई हीट सम नेल्स विद हैमर ऑन द वॉल्स। कह रहा है कि मैं नेल से, नेल मीन्स होता है कील, उससे मैं क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, किस पे, वॉल पे। तो नेल मीन्स कील, मैंने एक वर्ड यहाँ पे आपको बता ही दिया। प्लेन ऊपर आप देख, ऊपर मैंने वर्ड लिखा था प्लेन का यूज करके दिखा दिया। हैमर मीन्स हथौड़ा होता है, द कारपेंटर लॉस्ट हिज हैमर। नेक्स्ट है पेंसिल, आई बॉट एन HB पेंसिल। तो इस तरीके से आपको अपने वर्ड में, आपको उस जो ऊपर वर्ड हमने लिखा था कि कारपेंटर किस किस का यूज करता है, तो आप उसको यूज, उस वर्ड को एक सेंटेंस में क्या करना था, बनाना था। लिखा है गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स कम्प्लीटेड। कम्प्लीटेड का मतलब, फिर स्टोरी में क्या आया था, फिनिश्ड। सरप्राइज का अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स भी होता है सरप्राइज। स्ट्रेंज का क्वियर, क्वियर मीन्स भी होता है अनोखा, अद्भुत। मेकअप योर माइंड, अपने माइंड को मेकअप करना, तैयार करना। डिसाइडेड मीन्स निर्णय लेना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने क्या किया, ये सेक्शन किया। अब आगे हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट में जो वर्ड दिए हैं इसमें ER और R जोड़ना है और उसको वर्ड बिलो टू मेक न्यू वर्ड्स, नया वर्ड बनाने के लिए। तो जब एंड में जोड़ते हैं तो अभी हमने बताया उसे क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। जैसे स्टीप से स्टीपर, फ्लाइट से फ्लाइटर, और जगल से जगलर, स्पीक से स्पीकर, राइट से राइटर, स्ट्रेंज से स्ट्रेंजर, डांस से डांसर, राइडर, यूजर और जोकर। इस तरीके से हमने लास्ट में सब में क्या जोड़ दिया, सब में जिसके लास्ट में ऑलरेडी ई है वहाँ पे आर जोड़ दिया, जिसमें ई नहीं है उसमें हमने क्या जोड़ दिया, ER जोड़ दिया। तो इस तरीके से आर और ER ऐड करके हमने वर्ड क्या किए, बनाए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने चैप्टर का क्वेश्चन आंसर किया। आप इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।